बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ मैं आपके प्रस्ताव का। आखिर कौन सा प्रस्ताव है आपके पास जो मेरे ना को हाँ में बदल देगा? होटल ब्लू लिली में शिखर की ओर मुस्कुराते हुए शिवम चौहान ये कहता है। शिवम चौहान को इस बात का पूरा भरोसा था कि शिखर उसके सामने जो भी प्रस्ताव रखने वाला है उसका जवाब ना ही होगा। मगर शिखर जैसे ही अपना प्रस्ताव रखता है शिवम अचरज में पड़ जाता है और हकलाते हुए कहता है, क्या क्या सच में? मैंने आज तक कोई म्यूजिक लेबल नहीं देखा जो अपने कलाकारों के लिए ऐसा कुछ करे। क्या मैंने सही सुना आपने अभी जो भी अभी कहा? शिखर बगल की कुर्सी पर आराम से बैठ अपनी बात दोहराता है। आपने सही सुना, हमारे म्यूजिक लेबल के साथ जो भी संगीतकार जुड़ेगा उनके बनाए गानों के सारे राइट्स यानी गाने पर सारा अधिकार उनका होगा, हमारे लेबल का नहीं। शिखर की इस बात से वहीं बैठे शीना और पवन को भी झटका लगा था, मगर इस समय शिखर को कुछ बोलना उन्होंने उचित नहीं समझा। शिवम चौहान भी फौरन शिखर की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है। जिस शिवम ने किसी भी हालत में शिखर के म्यूजिक लेबल से ना जुड़ने का फैसला किया था, शिखर ने बस एक ही पल में उसे बदल दिया। ये देख पवन भी शिखर की इस जंग में उसका साथ देने तैयार हो जाता है और शिवम चौहान की यहाँ से जाते ही कहता है, मुझे अब आप पर पूरा भरोसा है, अब अगर आप चाहो तो स्टार मेकर्स को घुटनों पर ला सकते हो और मैं इसमें मुझसे जो भी बन पड़े वो करने को तैयार हूँ। शिखर पवन की ओर देखते हुए पूछता है, अब आप ही बताओ हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? पवन झिझकते हुए पूछता है, मुझे बस एक बात समझ नहीं आई, आप अगर सारे राइट्स उन्हें दे दोगे तो आप इन गानों से कमाओगे क्या? शिखर एक गंभीर चेहरे के साथ जवाब देता है, मैंने ये पैसे कमाने के लिए शुरू नहीं किया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टार मेकर्स को उनकी सच्चाई दिखा उनका गुरूर तोड़ना है, उनसे उनके किए हर नाइंसाफी का हिसाब लेना है। पवन को शिखर की बातें सुन इतना भरोसा हो गया था कि वो उसके साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने में उसकी मदद करेगा और मुस्कुराते हुए कहता है, हमारा अगला कदम यही है कि हम अपने इस म्यूजिक लेबल का नाम क्या होना चाहिए इसका फैसला करें। और शिखर, शीना और पवन तीनों अपने म्यूजिक लेबल का नाम सोचने में लग जाते हैं। शिखर होटल ब्लू लिली के रेस्टोरेंट में बैठ बबीता का इंतजार कर रहा था। आज किसी काम के लिए नहीं बल्कि बबीता के साथ उसके डेट के लिए बुलाया है अपने शुभ चिंतक का राज जानने को। तभी शिखर की नजर उसी ओर आ रही बबीता पर पड़ती है जो एक काली रंग की वन पीस ड्रेस में आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। शिखर के सामने बबीता जैसे ही बैठती है वो बोलता है, कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ मगर चाहके भी आज तुमसे नजरें नहीं हटा पा रहा मैं। बबीता को शिखर के साथ ऐसे डेट पर आना थोड़ा अजीब लग रहा था, उसने शिखर को आज तक बस एक बॉस की नजर से ही देखा था। और शर्माते हुए बबीता विषय बदलने की कोशिश करती है, डेट खत्म होते ही आज के किताब की परीक्षा भी देनी है तुम्हें। शिखर बड़े प्यार से बबीता की आंखों में आंखें डाले कहता है, आज जब तक हम डेट पे हैं हम में से कोई भी काम की बात नहीं करने वाला। बबीता अपने चेहरे पर आ रहे बाल कानों के पीछे ले जाते हुए कहती है, ठीक है। शिखर अपनी कुर्सी पर पीछे आते हुए कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बबीता शिखर की ओर देखते हुए कहती है, आज तुम्हें कुछ भी पूछने के लिए मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, जो मन में आए पूछ सकते हो। शिखर पूछता है, क्या तुम आज तक किसी के प्यार में पड़ी हो? बबीता अपनी नजरें झुकाते हुए कहती है, एक बार हुई थी ये गलती मुझसे, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया आज के बाद नहीं। शिखर पूछता है, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बबीता अपना मुंह फेरते हुए कहती है, मैं उन पुरानी यादों में वापस नहीं जाना चाहती, क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? शिखर बबीता के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अगर तुम ना बताना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जिसने तुम्हारा प्यार से भरोसा उठा दिया। बबीता के लिए शिखर ने जितना किया था पिछले कुछ दिनों में उसके बाद वो शिखर को मना नहीं कर पाई और एक धीमी सी आवाज में शिखर को बताती है, कॉलेज के समय एक लड़का था अनमोल नाम का जो मुझे प्यार के सपने दिखाया करता था, मगर साथ ही मेरे पीछे किसी और से भी उसकी बातें चल रही थी और मेरे करीब आने के बाद वो ये बोलकर छोड़ गया कि उसे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, बस मेरे करीब आना था और आने के बाद अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं। उस दिन से मैंने भी फैसला कर लिया कि आज के बाद प्यार से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। शिखर को बबीता की आंखों में दर्द दिख रहा था और वो टेबल के नीचे अपनी मुट्ठी बांधते हुए पूछता है, रहता कहाँ ये लड़का वैसे? बबीता ये सुन उसे सरप्राइजली देखने लगती है। अगले दिन शहर के कार्यालय में बैठा अनमोल काम के नाम पर काम चोरी कर रहा था।
अपना डेटा एंट्री का काम करने की जगह सामने कंप्यूटर में कोई खेल खेल रहा था। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर दूसरी ओर से उसके बॉस की आवाज आती है, तुम्हारा प्रमोशन किया जा रहा है, जल्दी से मेरे केबिन में आ जाओ। बॉस की बात सुन अनमोल झूम उठता है। केबिन की ओर बढ़ते हुए उसके मन में यही चल रहा था कि जिंदगी हो तो ऐसी, ना कभी कोई काम किया और फिर भी प्रमोशन मिल रहा है। केबिन का दरवाजा जैसे ही खोलता है उसे बॉस के सामने शिखर बैठा दिखता है। शिखर को बॉस बोल रहा होता है, आपने जो कहा वो तो हो जाएगा, बस आप अपना कहा होटल वाला डील याद रखिएगा। शिखर आश्वासन देते हुए कहता है, मैं अपना कहा हमेशा पूरा करता हूँ। बॉस अनमोल को देख उसे अंदर आने का इशारा करते हुए बोलता है, आओ और उनसे मिलो, ये है शिखर कामले, ब्लू लिली के मालिक, ये तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अनमोल शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो शिखर सर, कैसे हो आप? शिखर अनमोल के बढ़ाए हाथ और उसकी बात दोनों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है अनमोल। अनमोल शर्मिंदगी में अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, क्या डील सर? शिखर अनमोल की ओर देखते हुए कहता है, तुम आज से मेरे लिए काम करोगे और साथ ही तुम्हारी पगार दुगनी की जाती है, बदले में तुम्हें बस एक काम करना होगा। अनमोल उत्सुक होते हुए पूछता है, कौन सा काम सर? शिखर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोलता है, तुम्हें बबीता बनर्जी से अपने किए की माफी मांगनी होगी। ये नाम सुन अनमोल को झटका लगता है। आप बबीता को कैसे जानते हैं? शिखर चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बस ये फैसला करो कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए या इस काम से निकाले जाना। शिखर की ये बात सुन अनमोल का मानो व्यवहार ही बदल गया। शिखर के सामने झुक के खड़ा हुआ अनमोल अपनी छाती चौड़ा करते हुए कहता है, लगता है बबीता ने आपको मेरे बारे में ठीक से बताया नहीं, मैंने आज तक ना किसी से माफी मांगी है और ना ही आज मांगूंगा। शिखर बस अनमोल को एक मौका देना चाहता था, उसे पता था अनमोल की प्रतिक्रिया यही होने वाली है। शिखर कमरे से निकलते हुए कहता है, तुम्हारे पास कल तक का समय है अपनी गलती सुधारने का। अनमोल आवाज तेज करते हुए कहता है, मुझे जिंदगी भर का समय भी क्यों ना दे दो, फिर भी मैं उस चालू लड़की के मजे लेने के लिए तो माफी कभी नहीं मांग रहा। शिखर का मन तो कर रहा था इसी पल अनमोल को एक कसकर थप्पड़ लगाने का, मगर उसे पता था बस कुछ ही पलों में अनमोल को अपनी इस गलती का एहसास होने वाला है। शिखर केबिन के दरवाजे के पास खड़े हो कहता है, जैसे ही तुम्हारा फैसला बदले मैं तुम्हें ब्लू लिली होटल में मिल जाऊंगा, और बॉस की ओर इशारा कुछ करते हुए यहाँ से निकल जाता है। बॉस तुरंत अनमोल को बोलता है, आज से तुम काम से निकाले जाते हो। अनमोल टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहता है, मैंने इस कंपनी को अपने 2 साल दिए हैं, ऐसे ही किसी के कहने पर मुझे कैसे निकाल सकते हो? बॉस अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, उन्होंने हमारी कंपनी के कुछ स्टेक्स खरीदे हैं, चाहे तो मुझे भी काम से निकाल सकते हैं। अनमोल मगर ऐसे ही झुकने वाला नहीं था शिखर के आगे। वो सोचता है, ये काम भी चला गया तो क्या, अपने दोस्तों से कोई ना कोई काम तुरंत मिल जाएगा मुझे, और दफ्तर के बाहर निकल जाता है। रास्ते से घर जाते वक्त अनमोल एक एक कर अपने दोस्तों को काम के लिए फोन करना शुरू करता है, मगर सभी दोस्तों से एक ही जवाब सुन वो भी अचरज में पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके हर एक दोस्त का एक ही जवाब था, जब तक तू बबीता से माफी ना मांग ले हम तुझे कोई काम नहीं दे सकते। अनमोल का मानो गला सूख गया था। कौन था ये आदमी जिसके कहने पर मेरे सारे दोस्त पलट मुझसे मुंह फेर लिया? तभी अनमोल के फोन पर एक संदेश आता है, जिसे पढ़ उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो संदेश अनमोल की होने वाली मंगेतर का था, आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। जिस अमीर लड़की को उसने 5 साल लगाकर फंसाया था, उसने भी बस एक पल में ही उसके सारे रिश्ते तोड़ लिए। अनमोल अपना फोन कसकर पकड़ता है और ब्लू लिली की ओर बढ़ जाता है, शिखर से उसकी जिंदगी बर्बाद करने का बदला लेना सोचकर। शाम को अनन्या कॉलेज खत्म कर घर पहुंचती है। वो अब तक मन ही मन शिखर की बातों का मतलब जानने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खोल अंदर घुसती है, अनन्या के सामने गुस्से में लाल उसके पिता खड़े थे। अनन्या को देख वो अपने सवाल उस पर दागना शुरू कर देते हैं। आज उस लड़के से मिलना था तुम्हें, वो तुम्हारे इंतजार में बैठा रहा मगर तुम वहाँ गई ही नहीं उससे मिलने, आखिर क्यों? अनन्या धीमी आवाज में अपने पिता के कहे का जवाब देती है, मुझे नहीं मिलना उससे। ये सुन मिस्टर शाह अनन्या के सामने आ खड़े होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बात काटने की, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज अचानक कैसे? अनन्या भी पलट कर पहली बार अपने पिता के सामने चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि मुझे पता है मैं शिखर
मैं शिखर से अपना होटल वापस ले सकती हूँ। मुझे अपना होटल, हमारा होटल वापस चाहिए। उस होटल से सारी यादें जुड़ी है मेरी और मैं ये अपने दम पे करके दिखाना चाहती हूँ। मिस्टर शाह अपना मुंह फेरते हुए कहते हैं, वो होटल मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता, अब उस पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तुझे पता है ना कितने कर्जे मेरे सर पर हैं? अगर उन सब का हिसाब मैंने जल्दी नहीं चुकाया तो जेल भेज दिया जाऊंगा। क्या यही चाहती है तू? अनन्या अपने पिता का हाथ पकड़ कुछ कहने ही वाली थी कि मिस्टर शाह उसे काटते हुए कहते हैं, सच बता दे, कहीं तो शिखर के प्यार में तो नहीं पड़ गई और उसी चक्कर में अपने पापा को जेल तक भेजने को तैयार है? अनन्या अपने पिता का हाथ छोड़ उनसे थोड़ा दूर जाते हुए कहती है, नहीं पड़ी मैं किसी के प्यार में, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं होता है तो ठीक है, बता दीजिए उस लड़के के घर वालों को हमें मिलने की जरूरत नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मिस्टर शाह अनन्या को गले लगा लेते हैं, मगर ये बोलने के बाद अनन्या के आंखों में दर्द नजर आ रहा था जिस पर मिस्टर शाह की नजर नहीं पड़ती। होटल ब्लू लिली में शिखर जैसे ही होटल के कमरे में आता है, शीना उसे देख कहती है, ड्रीम कैचर्स। शिखर ये नाम सुन थोड़ा सोचता है, फिर हामी भरते हुए कहता है, ठीक है, आज से फिर हमारे म्यूजिक लेबल का नाम यही है, ड्रीम कैचर्स। वहीं बैठा पवन कहता है, पर मैं सारे कागजात बनाना शुरू कर देता हूँ, बबीता ने मेरे खाते में पैसे दे दिए हैं, मैं तुरंत काम पे लग जाता हूँ। ये कहते हुए पवन वहां से जाता है। तभी शिखर का फोन बजता है, फोन पर माया का नाम लिखा था। शिखर सोचता है, लगता है माया को शिवम चौहान के हमारे म्यूजिक लेबल से जुड़ने की खबर मिल गई। शिखर फोन उठाता है और दूसरी ओर से एक धीमी सी आवाज आती है, अच्छा लगा जानकर कि इंडस्ट्री में हमारे सामने खड़ा होने वाला कोई नया प्रतिद्वंदी आया है। आई लाइक गुड कॉम्पिटिशन। शिखर माया को पलट कर जवाब देता है, बस 3 महीने में तुम्हारा ये प्रतिद्वंदी तुम्हें टेक ओवर करने वाला है। माया शिखर की ये बात सुन हंस पड़ती है और कहती है, इस इंडस्ट्री में अपना पहला कामयाब एल्बम निकालने में ही लोगों को 3 महीने निकल जाते हैं, और तुम जिसने अब तक एक गाना नहीं निकाला 3 महीने में मुझसे आगे निकलना चाहते हो। शिखर भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, और अगर 3 महीने में मैंने ये करके दिखा दिया तो क्या तुम शीना के सामने झुक उससे माफी मांगोगी? माया को यकीन था शिखर किसी भी हाल में 3 महीने में उसके इतने सालों की मेहनत से आगे नहीं निकल सकता। माया कहती है, अगर तुमने 3 महीने में अपना कहा करके दिखा दिया तो मैं शीना से माफी मांगूंगी, और अगर तुम ना कर पाए तो अपना म्यूजिक लेबल बंद कर दोगे, बोलो है मंजूर? शिखर शीना की ओर देखते हुए कहता है, मुझे मंजूर है। क्या शिखर माया के खिलाफ जंग में जीत पाएगा या उसे करना पड़ेगा अपना म्यूजिक लेबल बंद? क्या अनन्या को शिखर के लिए अपने प्यार का समय पर एहसास हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।